चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 से पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स दी गई हैं उनके बारे में। तो ये थ्योरम बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ये आती रहती हैं, इसलिए इनको भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज समझने के साथ साथ उससे पहले जो थ्योरम और एग्ज़ाम्पल्स होते हैं उनको समझना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्पल और थ्योरम होते हैं ये एक्सरसाइज के सवालों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी मैं थ्योरम नंबर 1 आपको समझाने जा रहा हूँ, पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान से देखिएगा। तो ये जो थ्योरम 1 है इसके अकॉर्डिंग, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पे आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट क्या होता है उसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, एडजॉइंट क्या होता है वो भी आपको पहले समझाया जा चुका है, इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें एडजॉइंट भी समझ चुके हैं आप। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के, और वो इक्वल होगा डेट ए इंटू आई के। तो हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा, वेरिफिकेशन शुरू करते हैं इसका। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें ए जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे कुछ मान लेना पड़ेगा इस तरह से, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। इस तरह से हमने ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया क्योंकि हमें दिया गया था। अब हम इसका एडजॉइंट जब निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर निकलेंगे, और कोफैक्टर निकाल के फिर उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इस तरह से आ जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। तो ये मैट्रिक्स था और ये है उसका एडजॉइंट। तो देखो ये जैसे एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट स्मॉल ए वन टू, तो इसका जो कोफैक्टर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एलिमेंट्स के कोफैक्टर इस तरह से निकलेंगे, लेकिन एडजॉइंट निकालते समय उनका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोज कर दिया जाता है, जो रो होते हैं उनका बना दिया जाता है कॉलम। ये सब हम पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास ए भी आ गया है और उसका एडजॉइंट भी आ चुका है। अब हम ये वाला हिस्सा अगर लें थ्योरम का, तो इसके अकॉर्डिंग ए की एडजॉइंट ए में हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिखेंगे नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके लिए पहले पूरा मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ए लिखेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ उसको। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख दिया है पूरा, और एडजॉइंट ए उसके बराबर में यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगी। मल्टीप्लाई की अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो जब हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो रो आप देख रहे हैं, इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में होगी, और यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में होगी, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। फिर इस रो की मल्टीप्लाई तीसरे में होगी, तो तीसरा एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सब जगह पर भी एलिमेंट आएंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैंने सिखा रखा है उसको देख लीजिएगा। मैट्रिक्स चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी जो उसकी एक्सरसाइज है मल्टीप्लाई वगैरह की वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल हम इस मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो पूरी रो आप देख रहे हैं, इस पूरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी। तो मैं आपको साइड में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ए वन वन की मल्टीप्लाई किस में होगी, कैपिटल ए वन वन। इसी तरह से ए वन टू की मल्टीप्लाई कैपिटल ए वन टू में होगी, और इसी तरह से ए वन थ्री की मल्टीप्लाई कैपिटल ए वन थ्री में होगी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट ऑफ ए। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में मैंने ये चीज़ें आपको समझा रखी हैं कि अगर आप किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में कर देते हैं और फिर उनको प्लस करते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टर्स में की जाती है और फिर उसका सम किया जाता है, तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये चीज़ समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 4.4 का जो लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा। उसके शुरुआत में ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर में करके उसका सम करने के बाद हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम इस रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करने जा रहे हैं, तो अब देखिए क्या होगा। A11, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहेंगे पूरे फोकस के साथ, तभी समझ में आएगा, और हर वीडियो शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देखनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी चीज़ें क्लियर होती है, नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जिससे आगे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर रहे हैं, A11, A21, इसके बाद A12, A22, इसके बाद A13 और A23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट तो किसी अलग रो के हैं और कोफैक्टर किसी अलग रो के हैं। देखो ये 1-1 है यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट, और ये 2-1 है दूसरी रो का पहला कोफैक्टर। तो एलिमेंट अलग रो का है, कोफैक्टर अलग रो का है, एलिमेंट अलग रो का, कोफैक्टर अलग रो का, एलिमेंट अलग रो का, कोफैक्टर अलग रो का। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो आंसर आता है 0। ये भी आपको एक्सरसाइज 4.4 में ही सिखाया गया है कि अगर आप किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी किसी दूसरी रो के कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 0। तो यानी कि जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी तो यहाँ भी सेम सिचुएशन बनेगी कि एलिमेंट अलग रो के हैं, कोफैक्टर अलग रो के हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब ऐसे ही जब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे फिर वही होगा कि एलिमेंट अलग रो के, कोफैक्टर अलग रो के, तो 0। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो सेम है, देखो 2-1, 2-1, 2-2, 2-2, 2-3, 2-3, तो इस बार आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने साइड में लिखी है ना, ये यहाँ पर काम आ रही है। अगर उसी रो के एलिमेंट हैं, उसी रो के कोफैक्टर हैं, आप मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अगर उसी रो के एलिमेंट हैं और दूसरी रो के कोफैक्टर हैं तब जो सम है वो क्या है, 0। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए जब हम इस पूरे को भर देंगे तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो इसके इक्वल ये आ चुका है। अब मैं इसको अगले पेज पर ले जाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर ले जाने से पहले एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ये हमारी थ्योरम 1 है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के, और वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा था वो हमने ले लिया। उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, उसके कुछ एलिमेंट इस तरह से मान लिए, ये हमने लेट किया है, और इन एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करते समय ये चीज़ें बड़े काम आ रही हैं कि एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में करके सम करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, लेकिन एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल करते हुए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इसके इक्वल आ चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझते रहिएगा। अब हम इसको अगले पेज पर ले जा रहे हैं। चलिए घर, अब मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। पिछले पेज से जो हमें रिजल्ट मिला है वो ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो इसके इक्वल होगा, और ये हमारी थ्योरम है जिसे हम प्रूव कर रहे हैं, और इसका फिलहाल हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में से क्या होता है कि जब कॉमन निकालते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आता है। तो अगर हम यहाँ से डेट ए कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से डेट ए कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, 0 में से डेट ए कॉमन आया तो 0 बचेगा, 0, 0, 1, 0, 0, 0 और 1। ठीक है, मैट्रिक्स में तो कॉमन निकालते हैं ऐसा होता है, लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट होता, मान लो इसके दोनों तरफ इस तरह से साइन होते हैं, तो डेट ए यहाँ से कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आता है, तब जाके बाहर जो हमें मिलता वो मिलता डेट ए का क्यूब। लेकिन अभी ये एक मैट्रिक्स है तो पूरे मैट्रिक्स में से
अगर डेल्टा कॉमन ले रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब डेल्टा तो ऐसे ही रहेगा, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100001001, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमने प्रूव किया कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, डेल्टा इंटू आई के, ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट प्रूव किया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए इंटू आई, बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरा जो हिस्सा है एडजॉइंट ए इंटू ए को डेट ए इंटू आई के इक्वल प्रूव करेंगे। और ये जो प्रूव है ये बिल्कुल इसके तरीके से ही होगा। पहले आपको एडजॉइंट ए लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ए में क्या आएंगे कि वो जो कोफैक्टर्स थे वो आएंगे ए वन वन ए टू वन, क्योंकि उनके वो भी किए जाएंगे ना ट्रांसपोज, इस तरीके से पूरा हम लिख देंगे ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू, ठीक है ए वन थ्री। तो इस तरीके से जब एडजॉइंट ए लिख दिया जाएगा, एडजॉइंट ए का मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे ये एलिमेंट्स हैं तो इनके जो कोफैक्टर हैं वो इस तरीके से आते हैं, तो ऐसे हमने लिखे हुए हैं, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से ऐसे ही मिल जाएगा डेट ऑफ ए 0 0 0, डेट ऑफ ए 0 0 0, डेट ऑफ ए। और यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर उसी रो के एलिमेंट हैं और उसी रो के कोफैक्टर हैं तब तो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन अगर एलिमेंट अलग रो के हैं कोफैक्टर अलग रो के हैं तब हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इनकी मल्टीप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, और इस तरह से ये हमें मिल जाएगा, और फिर डेट बाहर आएगा और फिर यही चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि डेट ए इंटू आई। तो हमने क्या किया कि एडजॉइंट ए इंटू ए को डेट ए इंटू आई के इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिया है, और इसको इसके इक्वल ये हम पहले ही कर चुके हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई, ये हमने पहले कर लिया था और ये अब कर लिया है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर देखा जाए तो उससे पता चलेगा कि ये तीनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम ये लिख पाएंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई। तो ये थी हमारी थ्योरम वन, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, और थोड़ी सी कोशिश आप भी करिएगा, बल्कि आपकी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए मेरे से। दोनों जब कोशिश से मिलेंगी तभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। तो थ्योरम वन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने डेफिनेशन नंबर 4 है और डेफिनेशन नंबर 5 है, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले में लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर तभी कहा जा सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया था इस तरीके से, फिर जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 1 जाए 8, 4 2 जाए 8, तो क्या आ गया 0 हो गया। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको क्या कहा जाएगा, सिंगुलर कहा जाएगा। इसी तरह से डेफिनेशन 5, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो क्या सिंगुलर होता है क्या नॉन सिंगुलर होता है समझ में आ गया, इसका बहुत इस्तेमाल होता है एक्सरसाइज 4.5 के अंदर और 4.6 के अंदर भी, दोनों चीज़ों दोनों एक्सरसाइज में सिंगुलर नॉन सिंगुलर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। चलिए यार, अब हमारे सामने थ्योरम 2 है, सिंपल सी थ्योरम है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और आप में से जिन लोगों ने पहले इसको पढ़ रखा होगा उनको तो क्लियर होगी। लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा चाहे वो ए बी हो चाहे वो बी ए हो तो वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। इसके लिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो दूसरा भी सेकंड ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या ए और बी नॉन सिंगुलर है या नहीं, हमने दोनों के डिटर्मिनेंट निकाले, तो दोनों के डिटर्मिनेंट निकाल के हमें पता चला कि दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन सिंगुलर हैं।
उसके बाद हमने ए इंटू बी निकाला, ए की बी में मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स मिला। फिर हमने ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि कितना आ गया, 4, यानी कि नॉन सिंगुलर, क्योंकि जब भी जीरो के इक्वल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे। फिर हमने बी ए निकाला, बी की ए में मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला तो वो 4 आ गया, वो भी नॉट इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर। तो हमने जो थ्योरम है इसको प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए बी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। आसानी से हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। बढ़ते हैं अगली इम्पोर्टेंट थ्योरम की ओर। अब ये थ्योरम 3 है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कोई भी थ्योरम या एग्जाम्पल जो है वो बेकार नहीं होता, अगर सब चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं तभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो थ्योरम 3 को पढ़ लेते हैं, क्या है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इसको हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, मतलब उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। फिर से समझते हैं, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उन दोनों मैट्रिक्स के जो अलग अलग डिटर्मिनेंट होंगे उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये जो थ्योरम है ना, इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करके देखते हैं। इसके लिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिए, ए और बी। तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं, हम एल एच एस ले रहे हैं, तो एल एच एस के लिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए की बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 2, 3, 4, और ऐसे बी लिख देता हूँ। तो मैंने ये बी लिख दिया है और फिर ए इंटू बी की मल्टीप्लाई भी कर दी है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं, क्योंकि एल एच एस में हमें यही काम करना है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 13 की 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 8 जा 104 और 25 जा 100, तो 104 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एल एच एस। अब बात करते हैं आर एच एस की। आर एच एस में हमें निकालना है डेट ए इंटू डेट बी। तो पहले तो ए का डेट निकाल लो, ये मैट्रिक्स है ना, इसका डेट निकालते हैं, तो इसका डेट आ जाएगा 4 माइनस 6, यानी कि माइनस का 2। इसी तरह से अब बी मैट्रिक्स, बी का डेट निकालते हैं, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ये भी कितना हो गया, माइनस का 2। अब हम निकालते हैं डेट ए इंटू डेट बी, क्योंकि आर एच एस में हमें यही करना है। तो डेट ए कितना, माइनस का 2, और डेट बी कितना, माइनस का 2, तो कितना आ गया, प्लस का 4। और ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डेट उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आगे की थ्योरम्स में इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ, ये ना तो कोई डेफिनेशन है और ना ही ये कोई थ्योरम है, ये तो केवल एक रिजल्ट है जो अभी हम प्रूव करेंगे। एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है ये रिजल्ट, इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल होगा। और यहाँ पर एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन के, तो ये रिजल्ट अभी हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल किस तरह का आता है वो देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये जो सवाल है ये इस रिजल्ट के बेस पर ही पूरा किया जाता है। तो सवाल ये है कि ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 × 3 को क्या बोलेंगे, ऑर्डर 3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट। तो इस रिजल्ट के हिसाब से एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा, डेट ए की पावर एन माइनस वन के। अब डेट ए, एन की जगह ऑर्डर आ जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 माइनस 1, तो डेट ए का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है एक नंबर का हो जाएगा अगर हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन ये रिजल्ट कभी कभी एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा उसको देखिए अगले पेज पर, और वीडियो में इसी तरह से बने रहिए अगर वाकई में आप किसी टॉपिक को मजबूत करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
इसके लिए हम थ्योरम वन की मदद लेंगे। हमने थ्योरम वन में पढ़ा था कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो इक्वल होता है डेट ए इंटू आई के, और उसी थ्योरम में हमने इसको ये भी प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल होता है। आपको याद आ रहा होगा, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं लगातार तो आपको याद आ रहा होगा थ्योरम वन में इस तरह की चीज़ें आई थी, ठीक। और जिन्हें याद नहीं आ रहा वो थ्योरम वन को दोबारा से देखिए। तो थ्योरम वन में हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो इसके इक्वल होता है। अब ये बीच वाला स्टेप तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, खाली लिखता हूँ एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए 0 0 0 डेट ऑफ ए 0 0 0 डेट ऑफ ए, ये लिख दिया। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है उसमें हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए के दोनों तरफ डेट लगा हुआ है, और यहाँ पे एडजॉइंट ए के दोनों तरफ कोई डेट है नहीं, तो हम दोनों साइड का क्या करेंगे डेट ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग डेट बोथ साइड। तो इस तरह से आएगा एडजॉइंट ए इंटू ए का डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये पहले मैट्रिक्स था और अब ये डेट बन चुका है, डेट मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर हम इस मैट्रिक्स में से डेट ए कॉमन निकालते तो एक ही बाहर आता, लेकिन अब ये डिटर्मिनेंट बन चुका है, तो यहाँ से एक डेट ए बाहर आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो बाहर आकर बन जाएगा डेट ए का क्यूब, और अंदर रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। और इधर की साइड ये जो लिखा हुआ है ना, इसको देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, एडजॉइंट ए का डेट इनटू डेट ऑफ ए, ये जो मैंने लिखा है ये थ्योरम थ्री से लिखा है, इधर लिख देता हूँ थ्योरम थ्री। थ्योरम थ्री जो हमने अभी अभी पढ़ी थी इस तरीके से थी कि डेट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होता है डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी के, थ्योरम थ्री में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर डेट ऑफ ए इंटू बी लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट से इसका जो क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, कोशिश करते हैं इसी पेज पर आ जाए। इससे ये वाला डिटर्मिनेंट में क्यूब लगा हुआ है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा यहाँ पे क्या स्क्वायर, ठीक है। और इधर बचेगा एडजॉइंट ए का डेट, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जबान लड़खड़ा गई थी। जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव कैसे हुआ ये देखिए आप। जो हमारा मैट्रिक्स था, जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो थर्ड ऑर्डर का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पावर आई है डिटर्मिनेंट की वो कितनी आई है, 2 आई है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डेट ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है। मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूव करना था कि डेट ए जो है एडजॉइंट ऑफ डेट ए वो इसके इक्वल होगा डेट ए की पावर एन माइनस वन के। तो हमने क्या किया, थ्योरम वन का इस्तेमाल किया, एडजॉइंट ए इंटू ए को हम ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। थ्योरम वन आप देख लीजिएगा, बीच वाले हिस्से को हटाने के बाद ये बचा हमारे पास। फिर हमने देखा कि डेट लिया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेट लाने के लिए हमने दोनों साइड का डेट ले लिया। यहाँ पे मैट्रिक्स का डेट बन गया और इधर ये आ गया। फिर हमने थ्योरम थ्री का इस्तेमाल करके इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दिया। फिर इस डिटर्मिनेंट से इसका एक डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद ये रह जाएगा डेट ए का स्क्वायर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। इनटू ये चल ही रहा है इधर, उसके बाद 1 की इसमें मल्टीप्लाई करके यही आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेट ए की जो पावर आई है वो 2 आई है, जबकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ था वो थर्ड ऑर्डर का था, यानी कि एक पावर यहाँ पे क्या हो गई, कम आ गई। तो इसके लिए हम
ये कह सकते हैं इन जनरल कि जो भी यहाँ पे डेट आएगा उसकी पावर जो ऑर्डर होगा उससे एक क्या होगी कम होगी। तो इस तरह से ये ना तो कोई थ्योरम थी ना ही कोई डेफिनेशन थी, बस ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जो सवालों में हमारे काम आता है। इसको भी हमने प्रूव कर दिया, ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो आप इस तरीके से करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह से ये प्रूव दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट थ्योरम और कर लेते हैं। चलिए खैर, अब हम करने जा रहे हैं अब इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इसको समझने में ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए पूरे फोकस के साथ इस थ्योरम को आप समझने की कोशिश करिएगा। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब ये कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि उसका जो डेट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल तभी होगा। इन्वर्टिबल का मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल होता है तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो ए का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो ये हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। ध्यान से समझिएगा कैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि लेट ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब अगर ए को हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मान लिया है तो क्या होगा कि हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ये जो चीज़ है ना, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख रहे थे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलिनियस से पहले वाली, वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इस बीच हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट सम बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर b जो होगा वो a के इन्वर्स की तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बीच वाला हिस्सा तो छोड़ देते हैं, इसके सामने सीधा i को ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोनों तरफ का डेट लेंगे, डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेट ऑफ i। i का जो डेट होता है वो 1 होता है, ये हम कई बार देख चुके हैं। अब डेट ऑफ ए बी की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ डेट ऑफ a इंटू डेट ऑफ b। ऐसा हम लिख सकते हैं, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी थ्योरम नंबर 3, उसकी मदद से हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेट ऑफ ए बी को डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी लिखा जा सकता है। इसके बाद लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ऐसा तभी पॉसिबल है जब डेट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्योंकि मान लो अगर ये जीरो हो गया ना, तो जीरो की इसमें इंटू के ये सारा क्या बन जाएगा, जीरो। और जीरो जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब डेट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। कौन होगा नॉन सिंगुलर, ए। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है ना इसी तरीके से प्रूव की जाती है। अभी ये पूरी नहीं हुई है, अभी हमें इसका वो भी करना है, कन्वर्स भी करना है। तो फिलहाल थ्योरम ये है कि ए अगर एक मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि ए जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा, उसको हमने क्या मान लिया, बी। अब किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, आई आता है। किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई करके आई आता है। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ए बी को आई के इक्वल रख दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया बीच वाले पार्ट को। फिर हमने दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लिया। फिर ये जो था इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 जो हमने इसी वीडियो में पढ़ी थी। उसके बाद हमने कहा कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो हमने ये साबित कर दिया कि ए इन्वर्टिबल तभी हो सकता है जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब हम इसका कन्वर्स करने जा रहे हैं अगले पेज पर।
फिलहाल हमने क्या प्रूव किया है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। आसान भाषा में ऐसे कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट थ्योरम है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अभी इसका एक और पार्ट बाकी है, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, तो क्लियर हो ही जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब हम उसका कन्वर्स प्रूव करने जा रहे हैं। तो कन्वर्स प्रूव करने से पहले ये देख लेते हैं कि अभी हमने क्या प्रूव किया था। हमने प्रूव किया था कि अगर ये इन्वर्टिबल है, यानी कि अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब हम उल्टा करेंगे, जब ए नॉन सिंगुलर होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा। अब हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे ना। पहले हमने ये प्रूव किया था कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर जरूर होगा। अब हम ये प्रूव करना है कि ए अगर नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये लिख दिया है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, और अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए लिखेंगे बिकॉज ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए इंटू ए, और इज इक्वल टू होता है डेट ए इंटू आई के। ये इसी वीडियो की थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था, थ्योरम 1, ठीक। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेट दिखाई देता है इन दोनों के नीचे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे इस तरीके से, 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और इंटू ए यहाँ पे चल ही रहा है और यहाँ पे रहेगा सिर्फ आई। तो हम ये जो डेट है ना, ये डिवाइड में लेगा इस तरीके से। एक चीज़ और है कि ये पूरा का पूरा तभी पॉसिबल हो सकता है जब डेट ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि मान लो कि अगर डेट ए 0 हो गया तो इसके 0 होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 आने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ जो पॉसिबल हो पा रही है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, डेट ऑफ ए के नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से, यानी कि ए के नॉन सिंगुलर होने की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के ट्रू होने के लिए ए का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जगह लिख देंगे बी, फिर यहाँ पर भी बी आ जाएगा इज इक्वल इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब ऐसा अगर कुछ भी हो जाए तो हम ये कह सकते हैं, जो चैप्टर 3 में हमने थ्योरम पढ़ी थी वो आ गई है ना, और यहाँ पर ये जो बी होता है ये कहलाता है ए का इनवर्स। तो हम लिखेंगे देयर फोर ए इज इन्वर्टिबल। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है, क्योंकि ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ चुका है। ऐसा तभी आ सकता है जब ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, और ये जो बी है ये उसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। इस बीच आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि वेयर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बी ए का इन्वर्स होगा तभी ए की बी में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये देखो ना, ए की मल्टीप्लाई अगर ए इन्वर्स में करेंगे तो क्या आता है, आई आता है। तो ये ए है और ये ए का इन्वर्स है, तो ए की ए के इन्वर्स में मल्टीप्लाई होके ही क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयर फोर ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यही वो फार्मूला है जिसका इस्तेमाल एक्सरसाइज 4.5 और 4.6 दोनों में ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है ए का इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स या तो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है या फिर उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर निकाला जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है हमसे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर बार बार देखा जाए ध्यान से फोकस से तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आती। एक बार पूरी थ्योरम को फिर से लेते हैं शुरू से। तो थ्योरम 4 हमें ये कहती है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, यानी कि अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो इस थ्योरम को जब पूरा किया जाता है तो 2 हिस्सों में किया जाता है। एक बार तो हम ए को इन्वर्टिबल मान लेते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो नॉन सिंगुलर है, और दूसरी बार
एक और नॉन सिंगुलर लेकर प्रूव करते हैं कि वो क्या है, इन्वर्टिबल। तो अब अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, चैप्टर 3 की थ्योरम के हिसाब से। यहाँ पर बी जो होता है वो ए का इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। फिर हमने इसको हटा दिया यहाँ से, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, फिर दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लिया, फिर इसको स्प्लिट कर दिया थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग, जो अभी अभी पढ़ी थी इस वीडियो में। उसके बाद हमने क्या किया कि ये लिखा कि ये जो चीज़ है ऊपर वाली, ये तभी पॉसिबल है जब ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया और ज़ीरो की इसमें इंट होगी तो पूरा ही क्या बन जाएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो कभी वन के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया कि अगर ए इन्वर्टिबल है, यानी कि अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। लेकिन अगले पेज पर हमने पहले ही ए को नॉन सिंगुलर मान लिया था, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और बाद में जाके हमने प्रूव किया कि ए जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर आप ये लाइन लेकर आ जाते हैं कैसे भी करके, तो ये साबित हो जाता है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो इन्वर्स उसके बराबर में है। किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स के इनटू करके क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये लाइन अगर आप ले आए तो इसका मतलब आपने साबित कर दिया कि ए इन्वर्टिबल है। इस लाइन को हम लाए कैसे, सबसे पहले हमने ये लिखा थ्योरम 1 से जो इसी वीडियो में पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या किया, जो डेट है ना इसको डिवाइड में ले गए यहाँ पर। अब ये कंडीशन तभी ट्रू हो सकती है जब ये डेट है क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो पूरा ज़ीरो बन जाएगा, सॉरी अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसके अनडिफाइंड होने से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन तभी ट्रू हो सकती है जब डेट ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि ए में इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इस ए का क्या है, इन्वर्स है। तो बाद में जाके हमने ए इन्वर्स को ये नाम भी दे दिया था, लेकिन इस बीच हमने इस पूरे को क्या लिख दिया, बी, और साइड में ऐसे एक्सप्लेन भी कर दिया वेयर बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस लाइन के आते ही हमने कहा कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है। तो ये था उसका कन्वर्स। लेकिन जब थ्योरम आती है प्रूव करने के लिए तो पूरा किया जाता है, पिछला पार्ट भी और ये भी। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं अच्छी तरह से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, 3 काम जरूर करने होते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।